करेंगे बच्चों नेक्स्ट वर्क हिंदी। हिंदी में हम आज करने वाले हैं चित्रों को देखकर सही व्यंजन लिखो। जैसे कि आपका ये है पेज नंबर 3434 में है, कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। आपको क्या करना है, जो क्लाउड बना हुआ है पिक्चर को आप पहले देखेंगे, चित्र को देखेंगे कि कौन सी पिक्चर बनी हुई है, और फिर आप ये जो क्लाउड बने हुए हैं उसमें आप जो राइट वाला व्यंजन है जो आप रीडिंग कर चुके हैं रीडिंग बुक में, तो आपको बच्चे साथ साथ में आपको इसमें बुक को देख के आप इसके अंदर लिखेंगे राइट वाला व्यंजन। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ, उसके बाद आप करेंगे बुक में वर्क। ये किस चीज की पिक्चर है बच्चे, ये है त से तितली। त से तितली। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है, म से मछली। म से मछली। नेक्स्ट पिक्चर है ब से बैंगन। ब से नहीं, ब से। ब से लाला जी की छत, लाला जी की छड़ी, लाला जी का मोटा पेट, पेट में चाकू। ब से बैंगन, व से बैंगन नहीं। तो बच्चे अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्क, इसका जो इसमें बनी हुई है अब हम बुक में वर्क करेंगे। तो बच्चे ये कौन क्या बना हुआ है, क से कुर्सी, क से कबूतर, क से कलम, क से काजल, त से तितली, त से तलवार, त से तबला, ब से बैंगन, ब से बंदर, ब से बटन, ब से बस, म से मछली, म से मगर, म से मटर, व से वर्षा, व, ब से नहीं, व, व से वर्षा। नेक्स्ट क्या है, ये ट्री क्या बना हुआ है, प से पेड़, प से पेड़। इसमें मैंगो भी बने हुए, आम भी लगे हुए हैं, आप फल भी लिख सकते हैं, प से फल भी है, पर ये पिक्चर ज्यादा कौन सी बनी हुई है, प से पेड़, प से पतंग। नेक्स्ट कौन सी पिक्चर है, फ से फूल, फ से फल, फ से फूल। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है, ग से गाय, ग से गदा, ग से गधा, ग से गमला, से गाजर। तो बच्चे साथ साथ में आपकी जो हिंदी पढ़ो और सीखो बुक है उसमें भी आप साथ साथ में रीडिंग वर्क किया करो, और साथ में आप ये जो आपकी डिक्टेशन होती है बच्चे, डेली आप मम्मा को बोला करो कि मुझे आप डिक्टेशन भी दिया करो, हिंदी में भी, नंबर्स में भी, एंड इंग्लिश में भी। जितना आप बच्चे का डिक्टेशन वर्क करवाएंगे उतना ही बच्चे के लिए इजी हो जाएगा, और उसको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि मेरी मैम ने और मेरी मम्मा ने क्या वर्क करवाया है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, कल हम फिर से आएंगे न्यू वर्क के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तो ओके बच्चों, बाय बाय।